एक्सपोर्ट पे कैसे अटैच किया जाता है या फैक्ट्री में कैसे अटैच किया जाता है, परमानेंट या परमानेंट मंथली बेसिस पे, तो फिर वो कभी आगे भी नहीं जा सकता। सही, इसको तो आपको लेना पड़ेगी कुछ। बाकी मैं ये प्रेफर करूंगा कि जो नए लोग हैं उन्होंने, हर ड्राइवर तो नहीं रहता ऐसा, फिर भी 100 में से 10 तो ऐसे रहते ही है। हाँ। फिर वो बर्बाद वाला काम है इसमें। अच्छा, हर किसी को लेना नहीं होता है, भाड़ा डालने में दिक्कत देंगे, हिम्मत ज्यादा काटेंगे, कोई कम पैसे लेके सोचता है इंसान की 2-3 लाख मेरे पास है और मैं गाड़ी ले लूँ, थाने वाने में पुलिस वाले परेशान करते हैं, इसमें मोटा पैसा दिखता है और वो कुछ जाता है, थोड़े टाइम उसको अच्छा लगता है, कभी पुलिस वाले नहीं भी लेते हैं। हाँ। पुलिस वाले किसी ने कुछ पैसा नहीं लिया, मगर वो देखो ऐसा है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी समझ लो तुम। हाँ। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो जाता तो उसमें ड्राइवर को मारते हैं, मतलब बहुत बेकार कंडीशन हो गई। टेंशन मत लो, इनकम टैक्स की रेट थोड़ी ना पड़ेगी आपके पास, क्योंकि है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस एक बात बताऊं, आज का वीडियो इतना जबरदस्त होने वाला है कमर्शियल सेगमेंट में, थोड़ी जगह ऐसी इसलिए है, जैसे ये डंपर खड़ा है, ये ट्रक खड़ा है, वहाँ पे आप आयशर का ट्रक देख सकते हैं, ऐसे ये 22 ट्रक पूरे खड़े रहते हैं, मालिक भी हम साथ में लेके आए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं वो, मैं उनका खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हालांकि पुश्तैनी है, और 22 ट्रक है टोटल। अभी तो कुछ यहाँ पे खड़े थे, वो ऑफिस चलने का बोल रहे थे, लेकिन मैं महाराष्ट्र बॉर्डर पे अभी शूट करने आया हूँ, एमपी का रहने वाला हूँ, मुझे क्या अर्जेंट निकलना भी है, शाम में मेरी बस भी है, तो मैंने सोचा उनसे कि आपके ऑफिस जाएंगे यहाँ से 30 किलोमीटर, फिर वहाँ से आप करेंगे तो वहाँ टाइम लग जाएगा। तो ये है हमारे साथ साहिल भाई। साहिल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। शुक्रिया। सबसे पहले ये बताओ, टोटल जैसे मैंने बोला, आपने बताया था 22 ट्रक है आपके पास, तो 22 ट्रक ये पुश्तैनी है या फिर आपके खुद के हैं, मतलब पहले से खुद? पापा के हैं, पापा ने लिए थे, स्टार्टिंग पापा ने खरीदे, अभी आप मैनेज करते हो उनको? अभी मैं मैनेज करता हूं। कितने टाइम से ट्रक का कर रहे हो आप? मेरे को अभी 3-3 साल हुए मेरे को तो। आपको 3 साल हुआ, लेकिन ये कब से बिजनेस कब से? पापा 25 साल से कर रहे हैं, मतलब 1998। हाँ। 1998 से ट्रक का बिजनेस कर रहे हैं। जब मैं हुआ था, जब से पहली गाड़ी ली थी, जब आप पैदा हुए थे जब से ही पहली गाड़ी ली थी, तो 1998 से अभी तक आप ट्रक का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रक ट्राले ऐसा। अच्छा, तो सबसे पहले, अच्छा ट्रक में मतलब जैसे आपके पास टाटा आयशर ये सब है, कौन कौन से ट्राले वगैरह के ट्राले है? आयशर है। हाँ। और फिर अशोक लीलैंड के है, अशोक लीलैंड के डंपर वगैरह भी जो है, 12 चक्का है, 14 चक्का है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे उस टाइम 1998 का जो पीरियड मान ले 5-6-7 साल का और अभी का पीरियड, तो ट्रांसपोर्ट के धंधे में क्या डिफरेंस है, उस टाइम अच्छा था या इस टाइम अच्छा है? डिफरेंस देखा जाए तो उस टाइम बहुत बेटर था, अब तो क्या बहुत किचकिचवाड़ा होगा ट्रांसपोर्ट में भी। क्यों? पहले का तो ये था कि जैसे हमारी पहले ट्रकें थी सब, यहाँ रेत आसपास रेत चलती थी हमारे यहाँ। हाँ। जब इंदौर नया नया बन रहा था तो पापा ने बताते कि जब हमारी गाड़ी मल्टी, मेरे को बताई उन्होंने बहुत बार, बड़ी बड़ी मल्टी आए, तो यहाँ पे सब अपन अपने ऑर्डर चलते थे। हाँ। इस वक्त अपने हाथ के रेट डले हुए ये बने हुए जितने भी है, तो ये सब बताया उन्होंने, तो समझ लो दिन में एक एक ट्रिप मारती थी गाड़ी दो, तो उस टाइम सूखी कमाई हो जाती थी। कितनी कमाई हो जाती थी उस टाइम? अब 10-10 हज़ार रुपये ट्रिप लग जाती, दो ट्रिप भी दिन के लगे तो 20 हज़ार रुपये डेली की इनकम हो जाती थी। डेली की इनकम 20 हज़ार रुपये हो जाती थी? अच्छा, मतलब अभी हमारे पास 2-3 गाड़ी थी। अच्छा। हाँ। लेकिन उसको आप बाकी ट्रांसपोर्ट पे नहीं चलाते थे ना फिर? अभी तो सब जगह चलाते हो ना आप, सब अभी ऑल ओवर इंडिया चलाते हो आप? ऑल ओवर इंडिया है। हाँ। तो जैसे आपने आप हमको बताया आपका ऑफिस है मनावर, यहाँ से 30 किलोमीटर, आप मेरे ऑफिस चलते तो आपको और मजा आता। अभी वो एक्चुअली टाइम का ही थोड़ा सा मेरे साथ मसला है, मुझे निकलना भी है और आपसे इंटरव्यू लेना जरूरी था, मतलब मैं बता रहा हूँ गाइस ये इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इस इंटरव्यू से, क्योंकि साहिल भाई हमारे बहुत नॉलेजेबल इंसान है। तो जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि जो ट्रांसपोर्ट का आपका बिजनेस है, धंधा है जो भी, तो आप ट्रांसपोर्ट में गाड़ी भी लगाते हैं, सिर्फ खुद ही की 22 गाड़ियां मैनेज करते हैं? खुद ही के, अभी तो खुद ही किसी की नहीं लगाते, किसी की लगाते, जैसे कोई आता होगा तो पहले लगाते थे, पहले जो अपने गांव के लोग थे। हाँ। उनके लगवा दिया करते थे। हाँ। अब तो वही बनकर रखा है बस, अब तो खुद का ही, कमीशन बेस पे अपना कोई काम नहीं है, कमीशन बेस पे कुछ काम नहीं है, सब अपना पर्सनल है। अच्छा, सारे ज्यादातर आपके ट्रक्स किस चीज पे चलते हैं, किस? जैसे ये आपको दिख रही है सामने, जैसे ये आयशर है जी, ये कच्चे माल पे चल रही है। हाँ। हमारे आसपास जैसे मनावर है, अंजड़ है, लवानी। हाँ। है, ये सब जैसे कच्चे मालों का ज्यादा खेती होती है, जैसे मिर्ची है, टमाटर है। हाँ। खीरा है, ये सब दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, जयपुर जाता है। हाँ। सब आपने ड्राइवर हायर कर रखे होंगे? हाँ, सब ड्राइवर किन्नर है, ये आयशरों पे दो चलते हैं, ड्राइवर चलता है, किन्नर चलता है, बड़ी गाड़ी है जो अपने 12 चक्के 14 चक्के लंबी जाती है, इन पे दो ड्राइवर रहते और एक किन्नर रहता है, दो ड्राइवर एक क्लीनर, फर्स्ट ड्राइवर सेकंड ड्राइवर रहते हैं। तो हर गाड़ी के अलग अलग पेमेंट मिलता होगा, मतलब आप कमाते होंगे? भाड़ा भी अलग अलग रहता है, जो जितनी रेंज की रहती है। अच्छा। दूर जाती है, वजन भी सबके अलग अलग होते हैं। अच्छा, एक अंदाजन अपन बात करें तो जैसे कितना आपको एक गाड़ी से पड़ जाता है मंथली अभी की कंडीशन? अब ऐसी फिगर बता सकते हैं, मतलब ऐसे होती बता सकते एकदम कितना क्या है क्या? अरे टेंशन मत लो, इनकम टैक्स की रेट थोड़ी ना पड़ेगी आपके पास, क्योंकि है ना अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, जैसे आप टोल टैक्स वगैरह है या पेट्रोल डीजल तो भरते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स तो भरते, अच्छा खासा ही भरते होंगे जब 22 ट्रक है आपके पास, तो फिर भी एक अंदाजन आप एक ट्रक से क्या कमाई कर लेते हैं? एक ट्रक से आप मिनिमम मान लो
1000 रुपए पर डे समझ लो। 1000 रुपए पर डे? हाँ। तो ये जो 1000 रुपए पर डे आप बता रहे हो, इसमें ड्राइवर का खर्चा, मेंटेनेंस, जो टोल वगैरह, ये सब हटा के, ये सब हटा के बच जाता है इतना? हाँ, बच जाता है। एक गाड़ी को 30,000 रुपए तो मंथली मिनिमम समझ लो, 30,000 रुपए मंथली बच जाता है। हाँ, मतलब भाई इस हिसाब से अगर आपको 22 गाड़ियां हैं तो आप तो बहुत अमीर इंसान हो। नहीं नहीं, क्योंकि 22 गाड़ियां होना बहुत। आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे ट्रांसपोर्ट पे कोई कोई सी गाड़ियां क्या है, जैसे फ्री भी रहती है, फिर किस्तों पे भी रहती है, वो किस्त भी रहती है हमारी। अभी रिसेंटली आपने कुछ नए ट्रक्स खरीदे? हाँ, 14 चक्के लिए थे। 14 चक्के? हाँ, दो। हाँ, दो अभी लिए थे। 2 14 चक्के अशोक लिए। कितने कितने के पड़े आपको वो? अपने को फाइनेंस पे पड़े थे 55 लाख रुपये का एक पड़ा था। 55 लाख रुपये का एक? और मंथली कितना जाता है उसका? 92-93 हज़ार किस्त है उसकी। 92-93 के आसपास? और बहुत ज़्यादा किस्त है इसकी तो आप खैर मैनेज कर लेते हो, किस्तों को इतना इशू रहता नहीं होगा। और भी गाड़ियाँ हैं जो किस्त पे, फाइनेंस पे। अच्छा, अगर कुछ फ्री है, कुछ फाइनेंस पे। जी, अगर मान लो जैसे वीडियो देख के कोई भाई, अगर जैसे आप रहते हैं सेंधवा बॉर्डर है ना, महाराष्ट्र बॉर्डर के पास धर्मपुरी खलघाट जो जगह है, वहाँ रहते हैं आप, तो कोई ऐसे गाड़ी लगवाना चाहता तो आप लगा देते हैं उसकी गाड़ी? हाँ, मेरे दोस्त है उनके जो ट्रांसपोर्ट वापोर्ट जो लगाते हैं उनका करवा सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट पर करवा देते हो? हाँ। अब साहिल भाई आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने पहले तो हमें बता दिया कि पहले रेत वगैरह पे चलती थी, लेकिन एक ये ट्रांसपोर्ट सेगमेंट बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। हाँ, तो अभी भी ऐसे चलता तो है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट? ट्रांसपोर्ट तो देखो ऐसा है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी समझ लो तुम। हाँ, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हिंदुस्तान ठप हो जाएगा। हाँ, क्योंकि माल एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्ट का मतलब यही है ट्रांसपोर्टेशन का, कि भाई एक जगह से दूसरे का सामान जाता है। हाँ, जो भी खाने पीने की चीजें ले लो या किसी प्रकार की सामान ले लो तुम, वो एक जगह दूसरे का जाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा? सही बात है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा था। हाँ, सारी चीजें बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन चालू चालू रखना पड़ेगा ना तुमको। हाँ, वो बंद हो गया फिर लोग खाएंगे पिएंगे क्या? सही बात है, सही बात है। ऐसे रे कच्चा माल लेके इधर उधर नहीं जाएगी तो फिर क्या, आटा वाटा सब जाता है इधर उधर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे जो आप ड्राइवर्स लोग रखते हैं, मैनेज करवाते हैं, आजकल बड़ी बेकार कंडीशन, मेरे से बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भाई साला सही से बात नहीं करते हैं, हर जगह पैसे मांगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो तो भी पैसे देना पड़ते हैं, इन चीज़ों पे आप थोड़ा क्या कहना चाहेंगे ड्राइवरों को? तो आजकल क्या है कि जैसे समाज में भी लोग क्या बहुत गरीब नज़र से देखते हैं। हाँ। जो भी आता है मुँह उठा के कुछ भी बोल देता है, कभी किसी गलती, छोटी गाड़ी वालों की गलती है, कोई आगे भरा भी जाता है तो उसमें ड्राइवर को मारते हैं, मतलब बहुत बेकार कंडीशन हो गई ड्राइवर किन्नर को, तो समझ लो तुम कहीं पे भी कुछ नहीं उनका। तो आपके पास बहुत बेचारे परेशान होने वाला मामला है। तो आप भी जैसे इतने ड्राइवर्स मैनेज करते हैं सब, तो कोई ऐसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है? बहुत बार ऐसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है गाड़ियों से। हाँ, ड्राइवर किनारे को मार देते हैं, ये हो जाता, गाड़ियाँ थाने पे खड़ी कर लेते हैं, थाने में गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हो जाती है गाड़ी, जैसे बहुत सी बार एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ी वाड़ी के। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं थाने वाने पे पुलिस वाले परेशान करते हैं, और चाय पानी के लिए भी उन्हें जगह जगह बॉर्डरों पर रोका जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे बताइए, जैसे आप बोल रहे हो बॉर्डरों पर बार बार रोका जाता है, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट है तो फिर क्यों रोका जाता है, फिर क्यों पैसे देना पड़ते हैं? पता नहीं, सब कंप्लीट होने के बाद, सब बताने के बाद भी कुछ ना कुछ, अब देखो कोई अगर आपसे कोई भी मांगेगा पैसे, पुलिस वाला है जो भी है, अच्छे हैं तो जो छोड़ देते हैं वो, मगर कुछ कुछ रहते हैं, हर भी अच्छे नहीं कह सकते आप, जो कुछ रहते हैं वो तो फिर लेते हैं कुछ खर्चे पानी के जो भी रहते हैं उनके। तो मान लो जैसे बॉर्डर पर आपकी गाड़ी गई वहाँ, तो आपको हर कहीं पर पुलिस वाले मिल सकते हैं, तो आपको जहाँ मांगेंगे वहाँ देना भी पड़ेगा? हाँ, देना पड़ते हैं ना, रात बिरात क्या करेगा इंसान। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आसपास है तो चलो छोड़ देते हैं, आसपास अपने जो जान पहचान के लोग रहते हैं, अब बाहर तो फिर दिक्कत है। अब एक और सवाल मेरा है, जैसे देखिए आप दुनिया की बात करें अपन, तो बुरे भी इंसान है, अच्छे भी इंसान है, दोनों है। बहुत से आजकल ऐसे स्कैंडल, ऐसे स्कैम सुनने में आ रहे हैं, जैसे जो ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं, जैसे बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं ड्राइवर के भरोसे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो ऐसा सबका तो नहीं कह सकते, मगर कुछ ड्राइवर क्लीनर भी ऐसे रहते हैं, जैसे कोई डीएल बिना देते, डीएल में कर देते घोटाला, या फिर हिसाब किताब भी बड़ा चढ़ा के बता देते हैं। हाँ। कुछ जगह एंट्री नहीं लगती वहाँ भी लिख देते हैं। हाँ। और आजकल पुलिस एंट्री इतनी लिख देते हैं जो अभी पुलिस वाले नहीं भी लेते हैं। हाँ। पुलिस वाले किसी ने कुछ पैसा नहीं लिया, मगर वो उनके मन से लिख देते हैं कि अब आजकल क्या है कि हर मोटर मालिक भी जो रहते हैं ट्रक ओनर। हाँ। कोई इतने एक्सपेंस वाले नहीं रहते हैं आजकल, तो हर इंसान को इसमें मोटा पैसा दिखता है और वो कूद जाता है, थोड़े टाइम उसको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद उसको मालूम पड़ने लग गया था धीरे धीरे अब ड्राइवर हरकतें चालू करते हैं। हाँ। क्योंकि अब जैसे अब मेरे पापा तो क्या है कि 25 साल से पहले उन्होंने क्लीनरी करी है, फिर ड्राइवर बने हैं, फिर गाने वाले करिए। हाँ, तो वो एकदम सेट डायरेक्ट सेट नहीं बने, वो ग्राउंड लेवल से उठ के बने, लेवल से उठ के ऊपर गए हैं वो। हाँ। आजकल क्या जो थोड़े बहुत पैसे लेके मैदान में कूद जाते हैं। हाँ। फिर वो बर्बाद वाला काम है इसमें। अच्छा, हर किसी को लेना नहीं होता है धंधा, मतलब सोच समझ के करना। हमारे यहाँ कहावत भी है, हर किसी को लोहा लेना नहीं होता है गाड़ी, धंधा मतलब लोहा नहीं लेना होता, ऐसा भी है। अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि आप भी 3 साल से मैनेज कर ही रहे हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है ये वाला कि यार भाई नया ट्रक खरीदें सेकंड हैंड खरीदें, तो
तो देखिए सेकंड हैंड बहुत से खरीदते हैं, तो आप थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो ये बताइए ना, सेकंड हैंड ट्रक इंसान लेता है परचेस करता है तो उसे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे ले वो सेकंड हैंड? तो देखो सबसे पहले तो आप मॉडल चेक करो भाई, कब लिया, कब बंदे निकला, कब है गाड़ी, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, कौन है, क्या है, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक करो गाड़ी की, पेपर वर्क चेक करो, इसके पेपर वर्क कंप्लीट है, अगले साल के है तो फिर पैसे कम ज़्यादा हो जाते हैं। अब जैसे खत्म होने वाले रहते हैं तो उसमें भी कुछ ऊपर नीचे देखना पड़ता है ना। सेकंड गाड़ी में उसके लिए प्रेफर करूँगा जैसे कि जिसके बाद आइट साइड दूसरी गाड़ियाँ नहीं है सपोर्ट में, तो उसने सेकंड गाड़ी लेना चाहिए। अच्छा, नई गाड़ी एकदम उसने नहीं लेना चाहिए जिसके पास सपोर्ट में पैसा नहीं है या फिर राइट साइड गाड़ी नहीं है। हाँ, उसने नहीं लेना चाहिए सेकंड गाड़ी। अच्छा, नई गाड़ी नहीं लेना चाहिए। हाँ, आपने मुझसे एक बात कही थी ऑफ कैमरा कि 5 साल वाला जो फंडा था क्या ट्रक का, हाँ, वो क्या था? 5 साल वाला मतलब किस्त का मामला रहता है वो? नहीं नहीं, 5 साल पुराना नहीं लेना चाहिए, 5 साल। अच्छा, का वो क्या वो था? मेरा बोलने का मतलब ये था 5 साल वाला कि जैसे अपन नई गाड़ी लेते हैं तो मिनिमम 5 साल मतलब लग ही जाते हैं फ्री करने में उसको। हाँ, ठीक है, अगर छोटी मोटी किस्त में 5 साल की इंसान आज तक बनाता है। हाँ, अब गाड़ी में जान रहती है 10 साल तक। हाँ, ठीक है, अब 5 साल में अगर कोई फ्री करके बेचता है तो ले लेना चाहिए स्टार्टिंग। अच्छा, उसके बाद 7-8 साल में जो इंजन का बोला था मैंने, फ्री होने के बाद क्या होता है गाड़ी का इंजन में काम निकलने लग जाती है। अच्छा, तो इंजन पूरा खत्म टोटल हो जाता है, मतलब उसको बनवाना पड़ता है, उसमें पैसा बहुत लगता है। अच्छा, हाँ, मतलब 5 साल से ऊपर 2-3 साल और गाड़ी चल गई तो उसमें इंजन, हाँ, इंजन बैठ जाता है, मतलब 5 साल बाद भी बैठ सकता है, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं रहती है। अच्छा, 5 साल तक तो अच्छा चलेगा वो, उसके बाद बैठ जाता है। अच्छा, तो जैसे कि कोई कम पैसे लेके सोचता है इंसान कि 2-3 लाख मेरे पास है और मैं गाड़ी ले लूँ, ले तो सकता है माइनस पे, मगर फिर गाड़ी का इंजन विंजन खराब हो जाए तो 2-3 लाख तो उसमें लग जाएंगे, परेशानी आ जाएगी, तो फिर क्या करोगे? सही बात, सही बात। जैसे कि अधिकतर आजकल क्या होता है कि जो नए नए सेट बने रहते हैं गाड़ियों में काम करवाते नहीं है, सोचते अगले ट्रिप में करवा लेंगे, वाले ट्रिप में करवा लेंगे। उससे क्या होता है गाड़ियाँ खराब होती है, छोटे छोटे काम भी छुटपुट जो रहते हैं गाड़ियों में वो फिर बड़े हो जाते हैं, ये काम नहीं करवाते थोड़े पैसे के चक्कर में कि अगले ट्रिप करके। अगर गाड़ी को टाइम टू टाइम हर ट्रिप में आप सर्विसिंग करवाते रहो, ऑयल ग्रीसिंग सब करवाते रहो तो गाड़ी बढ़िया रहती है उससे। अच्छा, हाँ, और ड्राइवरों ने भी आजकल थोड़ा समझना चाहिए कि गाड़ी को लिमिट में चलाएं। आजकल क्या आइसर जो कच्चे माल की रहती है बहुत भगाते, मंडी डाची रहती है गाड़ियाँ, भगाते भी होते हैं और आइसरों का काम भी नहीं करा पाते सही साथ, इससे एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत हो जाते हैं। हाँ, ब्रेक वगैरह ये सब मतलब टाइम टू टाइम काम कराते रहना चाहिए, होता रहता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ड्राइवरों का बोला था कि ड्राइवरों कुछ ऐसा घोटाला कर जाते हैं, हर ड्राइवर तो नहीं रहता ऐसा, फिर भी 100 में से 10 तो ऐसे रहते ही है। पर अपन ये भी थोड़ा सोचो कि यार वो भी उनके घर परिवार लेके बैठे, फैमिली लेके बैठे, तो थोड़ा बहुत करे तो वो भी ठीक है, पर ड्राइवरों में ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत सेटों ने भी थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं है। अच्छा साहिल भाई, ये बात बताइए आजकल मुझे, जैसे आपके पास तो 22 ट्रक है और काफ़ी नॉलेजेबल भी हो, आपका पूछते नहीं काम है ये, आजकल बहुत से लोग नए नए गांव में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आजकल पहले जैसा मामला नहीं रहा, आजकल हेवी लाइसेंस हो आपके पास शाम तक आपके पास ट्रक आ जाएगा। हाँ, हैं वो किस्ते 60-60 हज़ार तो बहुत से लोग उठा ले रहे हैं, वो डायरेक्ट उठा ले रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब एक फैक्ट बात बताना कि उसको निकालना इतना आसान है या नहीं अगर नया ट्रक ऐसे ले लेते हैं तो? बिना नॉलेज के आए आपके कोई ट्रांसपोर्ट से पकड़ नहीं है या कोई कंपनी में आपसे बातचीत नहीं है तो इतनी आसानी से जैसे ट्रांसपोर्टर गाड़ी तो भरवा देते हैं मगर बहुत दिक्कत आती है। हाँ, भाड़ा डालने में दिक्कत देंगे, हिम्मली ज़्यादा काटेंगे, ट्रांसपोर्टर भी क्या है कई जगह बाल्टी भी जूतियाँ बनाती है, देखा जाए तो परेशान करती है, मतलब सेटों को भी, मोटर मालिकों को, वो भी आजकल बहुत रहता है। इसलिए नए आदमी ने तो थोड़ा सोच समझ के धंधे में कदम रखना चाहिए, नए आदमी को सोच समझ के क्योंकि थोड़ा बहुत पूंजी से कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब तो ट्रांसपोर्ट के जैसे कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट और कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताएं आप हमें। पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं, नेगेटिव भी है, बताइए ना कुछ। पॉजिटिव ये है कि जैसे कि अगर आपको ये ट्रांसपोर्ट का जो भी बिजनेस है आपको सेट हो जाता है, हाँ, तो आप इसमें बहुत तरक्की कर सकते हो। हाँ, और इसकी इनकम की कोई लिमिट नहीं रहती है। हाँ, आप जब 1 से 2 कर सकते हो, 2 से 4, 4 से 5, अगर आप तरीके से चला करोगे अच्छे से सब चीज़ मेंटेन करके तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाओगे। और नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि अगर ड्राइवर के अंदर आपको सिस्टमेटिक नहीं है, हाँ, या फिर आपको नॉलेज नहीं है, या फिर आपकी गाड़ी वाले आपकी जान पहचान नहीं है ज़्यादा, हाँ, तो फिर गाड़ी में पड़त खाती है, फिर भाड़े भी आपको इतने अच्छे मिल नहीं पाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी नेगेटिव रेट में रहता है उसका गाड़ियों पे। अच्छा, अब जैसे कि आप देखे काफ़ी टाइम से इस धंधे में हो तो आपके टर्म्स भी होंगे ट्रांसपोर्ट वालों से, तो बहुत से लोग दूसरे भी आपके टर्म्स में ऐसे होंगे जिनके पास 5-5, 10-10 या 2-2, 3-3 ट्रक हों, तो ऐसा कुछ आपने देखा है कि या तो एकदम से किसी ने बिजनेस में ग्रोथ कर लिया, एकदम से डाउन आ गया, कुछ उसके बारे में बताइए ना। ग्रोथ करते हुए हमने बहुत सबको देखा है और डाउन होते भी बहुत सबको देखा है, हमारे गांव में देखा है। हाँ, मेरे दोस्त थे क्या, उसके पापा भी अच्छा है, उनका भी अच्छा है, इसमें प्रोग्रेस है, बढ़िया है। हाँ,
उन्होंने भी शुरुआत करी थी हाँ। एक गाड़ी से आज उनके भाई पांच सात गाड़ियां हैं, पांच सात गाड़ियां हैं हाँ। और एक दो जन और है हमारे गांव के जिनके पास पहले पांच सात गाड़ियां थी हाँ। अब एक भी नहीं बची है। अरे ऐसा क्यों? नसीब की बात भी कह लो उसको या फिर थोड़ा बिजनेस है यार, ये तो चढ़ाव आता है हर बिजनेस की तरह इसमें भी। अच्छा, किसी को लग जाता है किसी को नहीं लगता। आप साहिल भाई, मैं ना आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक लास्ट बात मुझे आप ही बताइए, जैसे आपके पास तो बहुत सारे ट्रक है और ऐसे कोई पहचान वाले भी जिनके पास बहुत सारे ट्रक है, लेकिन कोई सिंगल ट्रक लेता तो उसको भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नया पुराना, एक छोटा सा दो तीन मिनट इस पे बोलिए। देखो धंधा तो हर धंधे की तरह ये भी बिजनेस है, तो मेरा ये मानना है कि ट्रांसपोर्टर का धंधा ऐसा देखो ये कभी ख़त्म होने वाला धंधा नहीं है, ठीक है, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो ऐसी चीज़ है कि इसके बिना कुछ ठप हो जाएगी, ठीक है, तो ये तो हमेशा बढ़ता रहेगा हाँ। करना चाहिए, बाकी मैं ये प्रेफर करूँगा कि जो नए लोग हैं उन्होंने सेकंड गाड़ी लेना चाहिए, और जिसके पास एक गाड़ी का वो है तो फिर उसने बहुत लिमिट में रख के करना चाहिए। अच्छा, जिसके पास हाँ। एक गाड़ी का बजट है उसे लिमिट में रखे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था टायर वायर का इनका बताया था मेंटेनेंस के हिसाब से हाँ। अब जिसके पास थोड़े बहुत पैसे लेके वो ट्रांसपोर्ट धंधा करना चाह रहा है, गाड़ी लेना चाह रहा है, अब मान लो उसने दो तीन लाख रुपये की सेकंड फाइनेंस पे मिलेगी गाड़ी तो फिर भी सात आठ लाख की तो मिलेगी, अब दो एक लाख रुपये उसके पास उसने दो लाख गाड़ी भर के ले ली, ठीक है, पैसे भर के। अब उसकी पहली ट्रिप में अगर खुदा ना खास्ता कि टायर वायर फूट गया हाँ। तो कुछ बड़ा काम आ गया तो फिर वो क्या करेगा? सही बात, बैकअप नहीं है तो, बैकअप नहीं है तो क्या होगा बताओ, कुछ नहीं कर सकता ना। और जैसे कि आप इस बिजनेस की बात कर रहे हो तो देखो धंधा तो कोई सा भी हो करना चाहिए हाँ। क्योंकि बिना रिस्क के कोई धंधा नहीं है। सही बात, और जो रिस्क नहीं ले सकता फिर वो कभी आगे भी नहीं जा सकता। सही, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा कोई सा बिजनेस है। साहिल भाई एक बात और बताइए, आजकल जैसे लोग ट्रक खरीद लेते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट पर कैसे अटैच किया जाता है, या फैक्ट्री में कैसे अटैच किया जाता है, परमानेंट या परमानेंट मंथली बेसिस पे अटैच होता है या कैसे अटैच होता है, दोनों बताइए आप हमें, किसमें प्रॉफिट और किसमें फायदा है? ट्रांसपोर्ट का देखो ऐसा रहता है कि जैसे कोई भी ट्रांसपोर्टर के पास अगर मोटर मालिक गाड़ी लगाता है हाँ। ट्रक ओनर रहते हैं उनको फोन लगाते हैं कि भाई कोई माल वाले है आपके पास हाँ। फिर वो बताता है कि हाँ मेरे पास यहाँ का माल है हाँ। तुमको लगता है कि भाई वो सही भाड़ा दे रहा है तो तुम उससे लगवा लो, उसका तो जो भी पूरा काम रहता है कमीशन बेस पे रहता है। जैसे आपको दिख रही है आयसर है हाँ। ठीक है, अब आयसर ने इनका क्या चल रहा है, 1500 रुपए चल रहा है, 1500 रुपए कमीशन पे रेट हाँ, एक गाड़ी का हाँ। जैसे भी 10 चक्का है 12 चक्का तो 1500 रुपए वो लेंगे, बाकी आपका हाँ उनको देना पड़ेगा कमीशन आपको, बाकी आपका ये आयसर का बता रहा मिनिमम में तो हाँ। 12 चक्का है 14 चक्का इनका तो 2500-3000 रुपए कमीशन रहता है। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट एक ट्रिप का लेता है? हाँ हाँ, एक ट्रिप तो, लेकिन वो ट्रिप फिर परमानेंट दिलाता रहेगा अपने को हाँ, आप उसको लगाते रहो भाड़ा के हिसाब से। और कंपनी में कैसे अटैच की जाती है गाड़ी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कंपनी का देखो ऐसा रहता है कि जैसे आपके पास गाड़ी है हाँ। कंपनी वाले क्या एक दो गाड़ी वाले को नहीं लेते हाँ। जिसके पास ज्यादा गाड़ियाँ हैं उसके पास बल्क में से 10-12 गाड़ियाँ हैं। क्यों, एक दो गाड़ी वाले को भी तो लेते होंगे ना? नहीं नहीं लेते, कंपनी में एक दो गाड़ी में नहीं होता मैं जैसे मान लो एक ग्रुप है दोस्तों का हाँ। उनके पास 5-7 गाड़ियां हैं तो हाँ, उनको ग्रुप हो सकता है, ग्रुप में चल सकती है, कंपनी में क्या ज्यादा गाड़ियां चलती है और उनका फिर डेली बेसिस का काम हो जाता है हाँ। उनके भाड़े भी फिर मिनिमम रहते हैं, फिर वो फिक्स हो जाते हैं, मतलब सैलरी ट्राइप रहते हैं हाँ, वही वही मतलब की इतने ही आपको डेली का रहेगा, आपका कंटिन्यू चला करेंगे, मतलब आप पड़त वड़त नहीं खाई गाड़ियाँ आपकी, कंटिन्यू कंपनी में फायदा है। और ट्रांसपोर्ट से लगाने का रहता है कि कभी माल नहीं मिला तो आपकी गाड़ी खाली भी दिन जा सकता है। अच्छा, कंपनी में वो नहीं है, कंपनी का ये बेनिफिट। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ये भी तो है, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में पैसा लिमिटेड नहीं है हाँ। है ना, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कंपनी में एक फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा, फिक्स अमाउंट ही रहेगा उसमें, है ना। मैं तो ज्यादा ट्रांसपोर्टर से ही प्रेफर करोगे आप? हाँ, बिल्कुल, मतलब ट्रांसपोर्ट पे लगाना ज्यादा सही रहेगा, बहुत ज्यादा बजाय कंपनी के, क्योंकि कंपनी में देखो बिजनेस में तो कम ज्यादा चलेगा यार, अब एक उस पे तो आप रह नहीं सकते हो हाँ, क्योंकि मध्यवाड़ा भी आता है बारिश के टाइम पे हाँ। अच्छा, मेरी बात बताइए, जैसे कंपनी में अगर गाड़ी लग जाती है तो उसमें जो पेमेंट देते हैं ये कैसे देते हैं, मतलब ड्राइवर और पेट्रोल वगैरह सब, डीजल वगैरह सब अपना रहता है क्या? हाँ, वो तो भाड़ा देंगे अपने पास, जो गाड़ी भाड़ा लगता है बाकी सारा खर्चा अपना रहता है। अच्छा, तो भाड़ा रेगुलर बेसिस पे जो रोज जाता है उस पर आपको भाड़ा देता रहेगा? जो भी हाँ, जो भी आपकी बैठक पे बात हो गई है। अच्छा, वो करते हैं जो, हाँ जो आप, तो आपके हिसाब से ट्रांसपोर्ट पे लगाना बेटर है कंपनी में? मैं तो ट्रांसपोर्ट का ही प्रीफर करूंगा, ट्रांसपोर्ट पे लगाना ज्यादा बेटर, उस पे इंसान ज्यादा कमा सकता है, कमा ज्यादा सकता है, उससे मतलब नहीं है, मतलब उसमें बढ़िया रहता है, कभी आप ज्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो। अच्छा अच्छा, और आपके पास हजारों ट्रांसपोर्ट है हाँ। जहाँ दिल करे वहाँ से भरो, सही बात, माल मिले वहाँ से भरो, सही बात। और अभी आपके पास टाइम भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपने ऑफिस लेके चलता, वहाँ पे फिर मैं आपको अपने ड्राइवर किन्नर से मिलवाता, वो आपको अच्छे से बताते हैं, जैसे गाड़ियों पे चलते हैं वो आपको बताते हैं कि हमें डेली लाइफ के क्या रहता है, दिन भर का क्या है। नहीं तो मैं आपके पास आऊँगा, फिर से आऊँगा मैं, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, 10-15 दिन बाद तो आपके ऑफिस भी आऊँगा। अभी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, जैसे आपकी गाड़ी बहुत दूर दूर भी जाती होंगी, 8-10 दिन में आती होंगी, तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड भी रहती है कि आप भी एक बार ट्रिप पे जाएं, तो कोई लंबी ट्रिप अगर आपकी जाती है
तो मैं जाना पसंद करूंगा उनके साथ, एक थोड़ी सी लाइफस्टाइल उनकी, कैसे रहते हैं, कैसे कमाते हैं। कर्नाटक जा रहे हैं, 14 टायर अपने कर्नाटक चलते हैं, आपको उधर भेज देंगे कर्नाटक। हाँ कर्नाटक चला जाऊंगा उनके साथ। हाँ जब भी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं ऑफिस में जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा क्या निकलने का वक्त हो रहा था और मैं चाह रहा था आपका इंटरव्यू जरूर लूँ, इसलिए मैंने ये इंटरव्यू ऐसे ले लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका मुझे टाइम देने के लिए। तो भाई साहिल भाई ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जगह पर मत जाइए, इन्फॉर्मेशन देखिए, इन्फॉर्मेशन कितनी कर्री और ज़बरदस्त मिली है, और आगे भी हम इनसे मिलते रहेंगे और ऐसी ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे हर दूसरे तीसरे दिन कॉमर्शियल सेगमेंट की भी आपको वीडियो देखने को मिलते रहें कार और बाइक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।